वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सही में अपना प्रॉफिट देखते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत हाल में युद्ध जो है आपके टाइम पे शोभा नहीं देता है। अब की दुनिया ऐसी जो अमन सुख शांति से रहे, और जो भी ऐसी कंट्री है उनको ये चीज सोचना चाहिए, सबक उनको लेना चाहिए कि भैया ठीक है, जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो, सब लोग मिलकर ग्रो करो। और ज्यादा ध्यान देना है तो पॉल्यूशन वगैरह इन सब चीजों पे ध्यान करो, मिलकर कंट्रोल करो, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है और युद्ध कम करना चाहिए, तो और लोग इसी सब चीजों पृथ्वी को खुशहाल बनाने की जरूरत है। तो यूएसए का परम मित्र और यूएसएसआर था ना उस समय, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कितने देशों में टूटा? 15। रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आप लोगों को तो याद ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अमेरिका चाहता था शीत युद्ध बढ़ा दिए, शीत युद्ध में युद्ध थी या युद्ध की तैयारियां थी? युद्ध की तो अमेरिका अपना परमाणु बम तुर्की के पास ले जाके रखा, कहा कि यहां से जब मन तब मार देंगे किसको? रसिया। सोचिए रूस का ग्रुप बताइए तो, हम अपना परमाणु बम क्यूबा में रखेंगे, जब मन तब तुमको मार देंगे, ठीक रहा है? इसे कहते हैं मार। ऐसा खतरनाक लड़ाई था आप, और एक समय ऐसा आया कि रूस की जो परमाणु पनडुब्बियां थी उसमें परमाणु बम था, और परमाणु पनडुब्बियां जब ऊपर जा रही थी ना यहाँ पर, तो वहां पर उन अमरीकी नौसेना प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये नीचे नीचे जा रहे थे, तो दोनों को नहीं पता, इसको भी नहीं पता कि अमरीकी नौसेना ऊपर है, अमरीकी नौसेना को नहीं पता कि नीचे रूस की पनडुब्बियां हैं। अब पनडुब्बियों पे झटका आने लगा क्योंकि ब्लास्ट होगा, रूस की पनडुब्बी को लगा कि ससुर अमरीका वाला मर रहा है, तुरंत आदेश दिया सेक्शन कमांडर उसका, जो कमांडिंग इन चीफ था उसका पनडुब्बी का, एटमिक मिसाइल फायर किया जाए, एटमिक मिसाइलों को ट्यूब में रख दिया गया, लेकिन किसी भी बड़े हथियार को फायर करने के लिए एटलीस्ट दो लोगों का सिग्नेचर जरूरी होता है, तो कमांडिंग इन चीफ ने वहां का जो था, जो कमांडर था वहां का पनडुब्बी का, उसने दे दिया, लेकिन सेकेंड इन कमांड ने कहा कि नहीं, अभी हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए, अगर वो 1961 में मार दिया रहता तो 1961 में तृतीय विश्व युद्ध फिक्स था, क्योंकि यहां से परमाणु बम जाती यहां पर, उसके बाद यहां से परमाणु बम जाता यहां पर, अच्छे होता। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं, पाकिस्तान, हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए, नहीं हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे तो कहें कि खरीदना है देना है तो दो, हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो, छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुत लोग पड़ल है, लोग बना लेंगे अपने से, जिस दिन IIT के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा, 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर, वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता जो हैं लोग विदेश विभाग वो बुला नहीं पाते हैं वहाँ पर, वहाँ नासा में बुला के रहना चाहिए यहाँ पर, अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए, नहीं समझ में आया? क्या बात है, वहाँ पे कोई नहीं, बस स्वामी विवेकानंद को एक बार नासा में लेके जाने लायक वहाँ पे, अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके, उसी दिन रिजाइन मरवा दे ससुरा नासा के वैज्ञानिक से, वापस जहाज में लेते चल चल चलते हम यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए यहाँ पे, अरे मातृभूमि भी कोई चीज होती है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है यहाँ पे, क्या ओसामा बिन लादेन के पास पैसा नहीं होगा? बात करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, हो ससुरा मरे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अगर पूरी दुनिया इसमें मार देगी हमारा 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 हम अखंड भारत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको डर लगे तृतीय विश्व युद्ध से लगे, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा ससुरा, प्रथम विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे,
द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, आज तो आजाद हैं हम लोग, आज कौन बिगाड़ लेगा हम लोग को। आप लोग तैयार है कि नहीं है? तब तक सब अपने अपने जगह सेटल रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा ना बाहुबली मूवी देखिएगा, तो जो देवसेना रहती है ना लकड़ी चुनती है 20 सालों से, तो कटप्पा घुसिया जाता है, कहता है कि 20 साल से कौन सी लकड़ी बटोर रही है, तू घुसिया जाती है कटप्पा, तुम्हें लकड़ी दिख रही है, ये चीता सजा रही हूँ उसके लिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लोगों को ये विद्यार्थी दिख रहा है, ये सेना है उस अखंड भारत की। जिस दिन ये उतरेगा ना, उस दिन इतिहास का भूगोल बदल दिया जाएगा, यहाँ पर पूरा अपना क्या रहेगा, अखंड भारत, और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला। अरे भैया लड़ना है लड़े जिसको, उससे क्या मतलब है, समझ में आ गया? मगरमच्छ को पानी से डराते हो? हाँ, समुद्र को अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही आप लोग का भी एगो नाम रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वालों के लिए इंडिया गेट बनाया गया, उसी तरह याद रखिएगा आप लोग के भी अखंड द्वार बनेगा वहां पर, अखंड द्वार, और आप लोग को भी लड़ना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सही में अपना प्रॉफिट देखते हैं, दूसरों को नीचा गिराते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत हाल में युद्ध जो है अब के टाइम पे शोभा नहीं देता है। अब की दुनिया ऐसी जो अमन सुख शांति से रहे, और जो भी ऐसी कंट्री है उनको ये चीज़ सोचना चाहिए, सबक उनको लेना चाहिए, भैया ठीक है यार जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो, सब लोग मिलकर ग्रो करो, और ज़्यादा ध्यान देना है तो पॉल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों पर ध्यान मिलकर कंट्रोल करो, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है और युद्ध कम करना चाहिए, तो और लोग इसी सब चीज़ों पृथ्वी को खुशहाल बनाने की ज़रूरत है, तो मतलब ये बात है। लेकिन हाँ, अगर बेस्ट वर्ल्ड का अगर होता है वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार होता है, तो सही बात उसमें खान सर ने बिल्कुल सही बोला कि उसमें अब जब गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।